को एशिया का स्वयं भू मानने वाले चीन के माथे पर बल पड़ गए हैं। उसके माथे पर आए यह बल अकारण नहीं है। पिछले 6 महीने से हांगकांग में जिस प्रकार माहौल बना हुआ था, अब उसकी दिशा बदल चुकी है। कल हांगकांग में एक अलग तरह का ही दृश्य देखने को मिला। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हजारों हांगकांग वासियों ने सरकारी भवन से चीनी झंडे उतार दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि हांगकांग के लोगों द्वारा कल निकाली गई यह रैली उइगरों के समर्थन में आयोजित की गई थी। इस रैली में पाकिस्तान का नाम आने से दुनिया का ध्यान इस पर गया है। रैली में मौजूद कुछ लोगों ने पाकिस्तान सेम सेम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बताया जाता है कि हांगकांग में निकले इस जनसमूह में कुछ उइगर मुस्लिमों ने भी भागीदारी की थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चीन ने उनकी स्थिति भी उइगर मुस्लिमों जैसी बना दी है। खास बात यह है कि हांगकांग के मार्च में उइगर समर्थक नारे और झंडे आम बात हो चुकी है। दरअसल उइगर मुस्लिम हांगकांग आंदोलन की आड़ में अपनी दुर्दशा दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इन मुसलमानों का आरोप है कि मुस्लिमों का नेता बनने वाला पाकिस्तान उनकी हालत पर एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, बल्कि उल्टे चीन के तलवे चाट रहा है। इसके लिए अब इन उइगर मुस्लिमों ने दुनिया के मुस्लिम देशों के सामने पाकिस्तान के दोगलेपन को उजागर करने की रणनीति बनाई है। इस नीति के तहत अब पाकिस्तान शर्म करो और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस रैली में प्रवासी पाकिस्तानी भी शामिल हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब चीन भी पाकिस्तानी जमूरों के निशाने पर आ रहा है, यानी पाक सरकार से इतर स्थानीय गुट उइगुरों को भड़का रहे हैं। हांगकांग में जिस तरह आंदोलनकारी उइगर मुसलमानों के समर्थन में उतर रहे हैं, वह चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। चीन करीब 10 लाख उइगर और ज्यादातर अल्पसंख्यकों को उत्तर पश्चिम शिनजियांग में बंदी शिविरों में रखने को लेकर अमरीका समेत अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है। हालांकि चीन ने शुरुआत में बंदी शिविरों के अस्तित्व को खारिज किया था, लेकिन अब उसका कहना है कि ये व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जरूरी है, जबकि अमेरिका इस मामले में बुरी तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका ने चीन में अल्पसंख्यकों के इस उत्पीड़न के विरोध में करीब 30 चीनी कंपनियों पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद चीनी अफसरों को वीजा नहीं देने का ऐलान भी किया था। वैसे चीन का यह तर्क मासूम सा लगता है कि अमेरिका द्वारा उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है। चीन खुद बेशर्मी से भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को भारत का आंतरिक मामला नहीं मानता। वह म्यांमार के रोहिंग्या मामले में भी दखल देता है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ गलबैया डालकर उन्हें समझौते की मेज पर लाने का प्रयास करता है। पाकिस्तान में विरोध के बावजूद वहां अपने बैंक खोलता है। अपनी भाषा मंदारिन सीखने के लिए लोगों को बाध्य करता है। नेपाल में भी मंदारिन के लिए माहौल बनाया गया और उइगर मुसलमानों के मसले पर नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता है। दरअसल चीन की नीति में यह अजीब सा विरोधाभास है। पाकिस्तान भी इस मामले में चीनी पिछलग्गू है। वह अनेक देशों के मुस्लिमों की हालत पर आंसू बहाता है, लेकिन चीनी मुसलमानों की दुर्दशा पर उसकी घिग्गी बंध जाती है। चीन के उइगर मुसलमान पाकिस्तान का दोगलापन समझ गए हैं। इन उइगरों ने पाकिस्तान के दोगलेपन को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। इन लोगों ने तय किया है कि उइगरों पर अत्याचार के मुद्दे पर पाकिस्तान की सच्चाई भी सामने रखी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान प्रोक्स रूप से चीन की मदद कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कल हांगकांग में हुए प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों ने यह साबित भी कर दिया है। मजे की बात यह है कि अधिकांश उइगर मुस्लिम पाकिस्तान में ही मजहबी तालीम लेने के लिए चीन से आते हैं। इसी आड़ में वे पाकिस्तान से कट्टरपंथ का पाठ पढ़कर वहां जा रहे हैं। जिन मदरसों में इन उइगरों को तालीम दी जाती है, उन पर हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का वर्चस्व है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन सरकारी नीति के खिलाफ जाकर उइगरों को उकसा रहे हैं और उन्हें चीन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चीन जिस सांप को दूध पिला रहा है, भीतर खाने उसके सपोले उसे ही डसने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे हांगकांग में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कई मायने निकालते हैं।
पर इसका बड़ा अर्थ यही है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वक्त उसके लिए भी कोई गड्ढा खोदकर पहले ही तैयार रखता है, क्योंकि तारीख हर हाल में खुद को जरूर दोहराती है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।